नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। देश के इतिहास में अमर अपनी वीरता और व्यक्तित्व के कारण हर भारतीय का गौरव मेवाड़ रत्न भारत के वीर पुत्र मेवाड़ नरेश महाराणा प्रताप की जन्म जयंती क्षत्रिय मेवाड़ राजपूत समाज द्वारा 9 जून ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष तृतीया को शुजालपुर में विशाल एवं भव्य रूप से मनाई जाएगी। आपको बता दें कि प्रतिवर्ष मेवाड़ राजपूत समाज के द्वारा महाराणा प्रताप की जयंती सीहोर, भोपाल, शाजापुर, राजगढ़ आदि जिलों में मनाई जाती है। इस बार मेवाड़ राजपूत समाज ने शुजालपुर में भव्य रूप से महाराणा प्रताप जयंती मनाने का निर्णय लिया है। वीर योद्धा महाराणा प्रताप जयंती की तैयारी जोरों से चल रही है। वरिष्ठ जन गांव गांव जाकर लोगों को निमंत्रण देने के साथ साथ कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाने का आग्रह भी कर रहे हैं। इस संबंध में हमारे संवाददाता ने स्थानीय लोगों से बातचीत की। बार जो है केंद्रीय समिति के आदेशानुसार पूरे समाज की ओर से सभी क्षेत्र सीहोर, आष्टा, भोपाल और सुजालपुर तय हुआ है कि इस बार जो है सुजालपुर क्षेत्र में महाराणा प्रताप जयंती क्षेत्रीय समिति के निर्देशन में मनाई जाए और उसमें करीब में 9 जून को जयनेत कॉलेज से शोभा यात्रा प्रारंभ होगी, जो मंडी समिति प्रांगण क्रमांक 3 में उसका समापन कार्यक्रम है और पूरे समाज के सभी क्षेत्रों से भव्य रूप में इसमें आमंत्रित किया गया है। और ये जो टीम जो है घर घर निमंत्रण समाज के उसमें निमंत्रण दे रही है और इसमें समाज का जो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, समाज के प्रत्येक वर्ग चाहे गरीब अमीर कोई भी हो सब पूरी तरह से इसमें सहयोग कर रहा है और आर्थिक रूप से भी बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। और ईश्वर की कृपा है, बाबा महाकाल कृपा है कि ऐसी सदबुद्धि हम सबको दी है कि महाराणा प्रताप जो हमारे आराध्य हैं, शिरोमणि हैं, उनकी जयंती मनाने का शुभ अवसर सुजानपुर क्षेत्र को मिला है। मैं इस अवसर पर पूरे क्षेत्र की ओर से हार्दिक शुभकामना बधाई देता हूँ और क्षेत्रीय समिति एवं केंद्रीय समिति के जो हमारे पदाधिकारी है, जो अध्यक्ष महोदय हैं, उनके निर्देशन में ये भव्य कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है और उनका भी बहुत सहयोग मिल रहा है। इसी गर्मी में 44 डिग्री सेंटीग्रेड में भी हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष हमारे साथ में है और उनकी भावना के साथ ही पूरे समाज उनके साथ है। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय आओ इधर। किस प्रकार की तैयारियां आपके द्वारा की जा रही है? सबसे पहले तो मैं सभी हमारे साथीगण और जो भी हमारे वरिष्ठ जन हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा कि इस मौके पर हमें प्रेरित करके हमारे महाराणा प्रताप जो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जो हमारे भारत ही नहीं, हमारे समाज ही नहीं, पूरे विश्व की धरोहर है और ऐसे योद्धा है जिन्होंने मुगलों से युद्ध कर हिंदू राष्ट्र की रक्षा करने के लिए अपने तन मन धन सब कुछ नौछार कर दिया, ऐसे शिरोमणि की जयंती मनाने के लिए हमें हमारे केंद्र समिति आदरणीय हमारे क्षेत्र समिति के समस्त पदाधिकारियों ने हम युवा साथियों को प्रेरित किया। इस कार्यक्रम को भव्य और सफल बनाने के लिए हम सारे मेवाड़ा राजपूत समाज के समस्त कार्यकर्ता तन मन धन से लगे हुए हैं और इस प्रकार का आयोजन अगर होता रहेगा तो मैं ये मानता हूँ कि आने वाली पीढ़ी हमारे महाराणा प्रताप के महाराणा प्रताप जी की जो उनकी जीवनी है, जो उनके जीवन के पद चिन्हों पर चलने के प्रयास करेगी और एक नए उनके स्मृति चिन्ह पर उनके आने वाली सारी चीज़ें उनके मन मस्तिष्क में आती रहेगी तो ये हमारी भारतीय संस्कृति और हमारी भारतीय विरासत को सहेजने की एक नई परंपरा हमने चालू की है और ये कार्यक्रम सफल रहे और इस मंच इस माइक के माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त कार्यकर्ताओं से यह आह्वान करना चाहूँगा कि आप घर घर तक जाएं और समस्त जो भी बंधु हमारे गांव गांव में हैं उनसे मैं आह्वान करना चाहूँगा इस कार्यक्रम को जितना हो सके अधिक से अधिक संख्या में आकर सफल बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है हमारे मेवाड़ा राजपूत समाज के लिए कि महाराणा प्रताप जयंती को मनाने के लिए नौ जो रविवार को जो हम मनाएंगे चल समारोह जो निकालेंगे उसको मनाने के लिए हमारी केंद्रीय समिति ने निर्णय लिया और पहली बार हम सुजालपुर कालापुर क्षेत्र के वासियों को यह अवसर मिल रहा है कि महाराणा प्रताप जिनका अभी तक हम सुनते थे, जिनका पढ़ते थे, हमारे बच्चों ने पढ़ा है कि घास की रोटी खाइए, आज हम हमारे समाज के माध्यम से ये दिखाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि हम उस वंशज के हैं जो घास की रोटी खाकर अपने देश के लिए अपने के लिए बलिदान हो गए। हम चाहेंगे और हम आह्वान भी करेंगे कि हमारे सभी लोग अधिक से अधिक मात्रा संख्या में वहाँ पर पधारे, पूरे क्षेत्र के अन्य क्षेत्रों के चाहे वो सीहोर हो, आष्टा हो, इछावर हो, हम हर क्षेत्र में भोपाल में सारे साथियों से निवेदन है, सारे समाजजनों से निवेदन है कि आप अधिक से अधिक संख्या में पधारें और इस चल समारोह को
अधिक से अधिक भव्य बनाएं और एक हमारा समाज जिस रूप में जाना जाता है उसकी एक छवि अलग है आज क्षेत्र में, उसको कहीं ना कहीं अच्छे से अच्छे और ले जाने का प्रयास करें। धन्यवाद। जय महाराणा। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की ये जन्म जयंती है, इसमें पूरे समाज ने निर्णय किया है कि हम सब मिलकर के प्रत्येक गाँव से, हर एक गाँव से जाकर के निमंत्रण देना और सारे समाज को निमंत्रित करना। आसपास के क्षेत्र के लोग सब लगे हुए हैं, भव्य स्वागत की तैयारी चल रही है। इसमें लगभग 5000 से ऊपर जनसंख्या आना चाहिए। सारे कार्यकर्ता हमारे तन मन धन से लगे हुए हैं और मैं सारे समाज के कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में उस दिन पधार करके इस आयोजन को सफल करें। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। सारे क्षेत्र के लोगों, सारे समाज के लोगों का आह्वान करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में आकर इस महाराणा प्रताप जयंती को सफल बनाने की। शाहजहांपुर से सीनियर संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।